हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. वी हैव सीन द साइट्स वेयर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर एक्टिंग अपॉन एंड वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग ईच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्लासेस सेपरेटली एंड वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एंड इनहिबिटर्स एंड नाउ वी आर गोइंग विथ डायूरेटिक्स. ओके, डायूरेटिक्स. ओके, सो वी आर डीलिंग विथ डायूरेटिक्स. सो डायूरेटिक्स आर वाइडली यूज इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ हाइपरटेंशन. ओके, डायूरेटिक्स आर यूज इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज ऑफ हाइपरटेंशन. ओके, इन डायूरेटिक्स वी फर्स्टली हैव थायाजाइड्स. वी हैव थायाजाइड्स. सो थायाजाइड्स आर ऑल्सो यूज इन अनकॉम्प्लिकेटेड केसेज ऑफ हाइपरटेंशन हैविंग mild to moderate frequency, having mild to moderate. Okay, mild to moderate जो hypertension के cases होते हैं basically uncomplicated, ठीक है, जिसका कोई complications नहीं रहते basically. So उसमें कौन सा use होता है हमारा, thiazides use होता है, ठीक है. It is having long duration of action. Long duration of action. And one more phenomena is okay, so it is having long duration of action and it is administered. So thiazides having long duration of action, hence these are used in low dosage. And what is the dose? It is 12.5 mg. Okay, so we have thiazides like drug, that is chlorthalidone. Okay, we have chlorthalidone and hydrochlorothiazide. Okay, so इफ वी एडमिनिस्टर, ओके, जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं डायूरेटिक्स का 12.5 mg एंड दिस पर्टिकुलर डोजेज हैविंग नो इफेक्ट. सो डोज इज इंक्रीज्ड अप टू, डोज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे कितने तक, 25 mg तक. डोज को इंक्रीज करेंगे कितने तक, 25 mg तक. और ये क्या होती है, लिमिट होता है, ठीक है, बियॉन्ड विच थायाजाइड डोज कैन नॉट बी इंक्रीज्ड. सो इट इज द लिमिट. बियॉन्ड विच thiazides are not administered. Okay, so क्या क्या बात करिए अभी तक, कि जो diuretics हैं वो widely जितने भी uncomplicated cases हैं सब में use होते हैं, ठीक है. thiazides basically क्या हो गया, uncomplicated cases of hypertension basically mild to moderate severity वाले जो रहते हैं उसमें use होता है. long duration of action हो गया, low dose हो गया, कितना low dose में, long duration है इसीलिए क्या करेंगे, drug को basically low dose of administration रहेगा जो कि कितना है, 12.5 mg. Okay, so we have chlorthalidone and hydrochlorothiazide in the list, and when there is no effect with 12.5 mg of dose, then dose can be increased up to 25 mg, and this is the limit. Till that, thiazides are only administered, and iske upar hum log thiazides ko administer nahi karte hain. Now talking about
इंटरेक्शन ऑफ थायराजाइड्स, इंटरेक्शन ऑफ थायराजाइड्स, एंड वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड इन आवर डायूरेटिक टॉपिक एंड ऑल्सो इन आवर प्रीवियस क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, दैट इज एआरबीज एंड एस इनहिबिटर्स. सो थायराजाइड्स आर बेसिकली थायराजाइड्स कॉजिंग हाइपोकैलेमिया. व्हाट डज इट कॉज? हाइपोकैलेमिया, एंड इट विल रिएक्ट विथ, एंड इफ इट विल रिएक्ट विथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग एंड अनदर, दैट इज अनदर क्लास ऑफ ड्रग, दैट इज एस इनहिबिटर्स और एआरबीज, एस इनहिबिटर्स और एआरबीज, देन इट विल हैव सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, और द इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विल इंक्रीज. ओके, दीज ड्रग्स आर कॉजिंग हाइपरकैलेमिया, दीज ड्रग्स आर कॉजिंग हाइपरकैलेमिया. सो द नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या हो रहा है? सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. इंक्रीज्ड एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग्स, इंक्रीज्ड एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स. ओके, सो इंटरेक्शन में हमने क्या अभी देखा कि थायराजाइड्स क्या करा रहे हैं? बेसिकली हाइपोकैलेमिया कराते हैं, हमको पता है. एंड व्हेन दीज ड्रग्स आर इंटरैक्टेड विथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स और एस इनहिबिटर्स और एआरबीज और अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, सो इट विल लीड्स टू, सो दे आर कॉजिंग हाइपरकैलेमिया बेसिकली. सो द नेट इफेक्ट इज इंक्रीज्ड रिस्पॉन्स, दैट इज सिनर्जिज्म, सिनर्जिज्म एडिटिव इफेक्ट होगा. जो एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है. सो देयर विल बी इंक्रीज्ड एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन फर्दर, वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द थायराजाइड्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराजाइड्स. Before that, we will discuss the adverse effects of thiazides. And in adverse effect, we basically have hypokalemia. Okay, hypokalemia, hyperglycemia. It is also causing hypercalcemia, hypercalcemia. And these drugs are also causing hyperuricemia, hyperuricemia. And three star point, that is these drugs are also contributing, or matlab adverse effect, have adverse effect like impotency and loss of libido, loss of libido. So these drugs should not be administered with males under the age of adolescence, or matlab jo bhi matlab highly active males hai unke andar ye basically jo thiazide like drugs hai unko kya karna chahiye, basically avoid karna chahiye. So these are causing impotency and loss of libido. एंड मेटाबॉलिक, और अगर बोला जाए इलेक्ट्रोलाइटिक जो डिस्टर्बेंसेज बेसिकली हमारी जो बॉडी में, हम लोगों ने डायूरेटिक्स में फर्दर क्लासीफाई करके जो अभी तक डिस्कस किया था, सो दीज आर हाइपोकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपरकैल्सेमिया एंड हाइपरयूरिकेमिया आर द एडवर्स इफेक्ट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द एंटी एडवांटेजेस ऑफ द थायराजाइड्स. ओके, सो इन एडवांटेजेस फर्स्टली इट इज having long duration of action, long duration. Okay, long duration. Next advantage, it is cheap. Then it is well tolerated, well tolerated. On drug interaction, it will have synergistic effect. We have discussed it previously.
सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ओके, इट इज हैविंग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. इट इज कॉजिंग हाइपोकैलेमिया एंड दोज ड्रग्स वर कॉजिंग हाइपरकैलेमिया. सो देयर विल बी इन्फ्लुएंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. सो इट इज हैविंग सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, इट इज वेल टॉलरेटेड, चीप, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड हाइपरकैल्सीमिया. दीज ड्रग्स आर कॉजिंग हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है. सो इट इज द एडवर्स इफेक्ट, बट हाइपरकैल्सीमिया मीन्स देयर विल बी डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम. ओके, सो डिक्रीज्ड कैल्शियम आयन एक्सक्रीशन, सो इट विल लीड्स टू लेस रिस्क. ओके, सो द इंडिविजुअल इज प्रोन टू लेस रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. ओके, सो द इंडिविजुअल इज हैविंग लेस रिस्क ऑफ फ्रैक्चर. वाई? बिकॉज कैल्शियम एक्सक्रीशन इज डिक्रीज्ड. ओके, सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट एंड एडवांटेजेस ऑफ द थायसाइड्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. Now talking about the mechanism of action of thiazides. Finally, mechanism of action. Okay, so thiazides. इसीलिए हमने क्या किया था, डायूरेटिक वाला जो टॉपिक था वो पहले ही डिस्कस किया था आफ्टर आफ्टर एंटीकोलिनर्जिक, मतलब आफ्टर एएनएस. ओके, एएनएस के बाद हमने क्या स्टडी किया, डायूरेटिक. क्योंकि लगभग जितने भी अभी हम लोग आगे चल के जितने भी क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे, जैसे सीवीएस में पढ़ेंगे, सीएनएस में पढ़ेंगे, सो वी विल फाइंड इट कॉमन दैट कि डायूरेटिक्स वहां पे यूज हो रहे हैं या एएनएस की जो ड्रग्स हैं वो बेसिकली वहां पे यूज हो रही हैं. इसीलिए डायूरेटिक के टॉपिक को हमने बीच में इंक्लूड किया था. नाउ टॉकिंग अबाउट द थायसाइड्स, सो These are basically affecting the site 3. Okay, site 3. So site 3 पे मैंने पहले भी बताया था कि क्या रहता है हमारा, सोडियम एंड क्लोराइड सिंपोर्टर. सोडियम एंड क्लोराइड सिंपोर्टर इज प्रेजेंट. ओके, सो इट विल अफेक्ट द फंक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिंपोर्टर एट साइट 3. एंड वट इज आवर साइट 3? सो इट इज अर्ली डीसीटी. इट इज अर्ली डीसीटी. एंड वट डज this function will do? It will leads to retention of, okay, so it will, sorry, retention to pehle se hi ho raha hai. There is increased blood pressure, so if we want to decrease the blood pressure, so we will promote, or thiazide will promote excretion of sodium and water. Excretion promote excretion of sodium and water. There will be excretion of sodium and water. अब अगर blood में water का concentration या iron का concentration कम होगा, so there will be decreased cardiac output. It will leads to decreased cardiac output, finally contributing towards the decreased blood pressure that we have to achieve in antihypertensive, that we have to achieve in hypertensive like situation. So thiazides are basically acting on the site 3. ठीक है, अर्ली डीसीटी में फंक्शन कर रहा है, सोडियम और क्लोराइड सिंपोर्टर पे फंक्शन कर रहा है. साइट थ्री के कहां पे फंक्शन कर रहा है, सोडियम और क्लोराइड सिंपोर्टर पे. एंड इट इज प्रमोटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम आयन एंड वाटर, विच विल फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट एंड फाइनली लीडिंग टू डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय इट इज डिक्रीजिंग द सोडियम आयन, डिक्रीजिंग सोडियम आयन इन वैस्क्यूलर स्मूथ मसल. सो इट विल कंट्रीब्यूटिंग. अब वैस्क्यूलर स्मूथ मसल में क्या हो रहा है कि सोडियम आयन का जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो रहा है, सो इट विल लीडिंग टू डिक्रीज्ड पेरिफेरल वैस्क्यूलर रेजिस्टेंस. वाई? बिकॉज ऑफ वेजो डायलेशन प्रॉपर्टी. एंड फाइनली इट विल कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. सो दिस इज आवर होल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायसाइड. सो थायसाइड्स आर बेसिकली फंक्शनिंग ऑन द साइट 3. ठीक है, साइट 3 हमारा कौन सा हो गया, अर्ली डीसीटी वाला पार्ट हो गया. ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर. सोडियम और वाटर का जो क्या हुआ था,
हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव सिचुएशन की वजह से जो सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो गया था उसका क्या करा रहा है थायराइड, एक्सक्रीशन करा रहा है, एंड देयर इज डिक्रीज्ड सोडियम आयन इन द वेस्क्यूलर स्मूथ मसल। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा, एंड वेजो डायलेशन विल पर्टिकुलरली लीड्स टू द डिक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस, एंड फाइनली द बीपी इज डिक्रीज्ड और मैनेज्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट द लूप डायूरेटिक्स, ठीक है, ये इतना इसका कोई खास रोल नहीं रहता है लूप डायूरेटिक्स का। सो फर्स्टली दीज आर हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एंड दीज ड्रग्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, नॉट फ्रीक्वेंटली यूज, दीज ड्रग्स आर यूज इन बेसिकली द रीनल एंड यूज्ड इन केसेस ऑफ रीनल एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस व्हेन बोथ आर कॉमन, व्हेन बोथ रीनल एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आर प्रेजेंट देन इट इज यूज्ड। ओके, सो दिस इज होल अबाउट डायूरेटिक्स। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग। वी हैव डिस्कस द टू क्लासेस ऑफ ड्रग, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, एंड नेक्स्टली वी हैव डिस्कस द थायराजाइड्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर वी विल डिस्कस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। And in this we have drugs like verapamil, diltiazem, dihydro, pyridines, dihydro, pyridines. In this we have common ending, that is we have dipenes in the end, we have dipenes in okay, so in dihydropyridines we have dipene in the end, and we have nifedipine, amlodipine, nitrandipine, lercanidipine, benidipine. So these all are the drugs that we have, and dihydropyridines ke last mein kya aa raha hai hamare, dipenes aa raha hai. So these are the calcium channel blocker, that is verapamil, diltiazem and dihydropyridines. Okay, so now moving on further, in mechanism of action, anti-hypertensive effect of these drugs are due to, antihypertensive effects of calcium channel blockers are due to peripheral vasodilation, peripheral vasodilation. Okay, so antihypertensive effect of calcium channel blockers are due to peripheral vasodilation. Now talking about dihydropyridines. So these are causing the adverse effects like headache. Okay, reflex. Reflex tachycardia,
रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया एंड फ्लशिंग्स ऑल्सो हैविंग और ऑल्सो कॉजिंग पैल्पिटेशंस पैल्पिटेशंस ओके सो दिस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया लाइक एडवर्स इफेक्ट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स अलंग विथ द डाइहाइड्रोपाइरीडीन्स ओके रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया लाइक सिम्टम्स कैन बी मैनेज्ड बाय गिविंग बीटा ब्लॉकर अलंग विथ डाइहाइड्रोपाइरीडीन्स सो इट विल नॉट कॉज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ओके सो मूविंग ऑन फर्दर अनदर टू क्लास ऑफ ड्रग दैट इज डिल्टियाजेम एंड वेरापामिल सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दीज ड्रग्स दैट दे डू नॉट कॉज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया फर्स्ट एडवांटेज एंड दिस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग बीटा ब्लॉकर विथ डाइहाइड्रोपाइरीडीन्स और बाय गिविंग ड्रग इन सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म ओके सो सस्टेन्ड रिलीज डिक्रीजेस रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया लाइक प्रॉपर्टीज ओके रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया लाइक प्रॉपर्टीज अगर सस्टेन्ड रिलीज हो रहा है डाइहाइड्रोपाइरीडीन्स का तो भी क्या होगा रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया लाइक सिम्टम्स जो आ रहे हैं बेसिकली वो नहीं आएंगे ठीक है अब इसमें क्या हो रहा है दे डू नॉट कॉज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया व्हाई बिकॉज दे आर हैविंग कार्डियक डिप्रेशन एक्टिविटी व्हाई बिकॉज डिल्टियाजेम एंड वेरापामिल हैविंग कार्डियक डिप्रेशन ओके डिप्रेशन एक्टिविटी और डिप्रेसिंग फंक्शन डिप्रेशन एक्टिविटी हेंस दीज मेडिसिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स हैविंग कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ओके अवॉइडेड इन विच दीज टू ड्रग्स ओके शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विथ कार्डियक डिसफंक्शन अगर कहा जाए तो बेटर रहेगा कार्डियक डिसफंक्शन पहले से ही उसको कार्डियक डिसफंक्शन है उसके बाद हम और उसको कार्डियक डिप्रेशन एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं बाय एडमिनिस्टरिंग डिल्टियाजेम और वेरापामिल सो दीज शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स हैविंग कार्डियक डिसफंक्शन एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द यूजेज ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स So these drugs are used in angina, severe hypertension like situations. So clavidipine is used. Okay, dihydropyridine का clavidipine जो होता है उसको हम लोग severe hypertensive states में use करते हैं. So it is used in angina, severe hypertension. Then asthma, then it is used in peripheral vascular disease, then it is used in renal dysfunction, then these drugs are used in migraine, then it is used in diabetes. And hyperlipidemia. Okay, so diabetes and hyperlipidemia. Hyper
ओके सो यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इन एंजाइना. ओके दो हार्ट के हैं, एंजाइना और हाइपरटेंशन, हार्ट के हो गए ये हमारे, ठीक है. इसके बाद एस्मा हो गया, ये आरएस का हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम. देन रीनल डिसफंक्शन और पेरीफेरल वैस्कुलर डिजीज. सो बेसिकली वेसल्स पे फंक्शन हो रहा है, यहाँ किडनी पे फंक्शन हो रहा है, माइग्रेन हो गया. और ये दो क्या हो गया हमारे, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस को भी ट्रीट करने में यूज होता है. फॉर एग्जांपल डायबिटीज एंड हाइपर लिपिडेमिया लाइक सिचुएशंस को ट्रीट करने में हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की हेल्प लेते हैं. ओके सो नाउ वी आर ओवर विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड मूविंग टुवर्ड्स द सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स. ओके ओके सो नाउ कंटिन्यूइंग विद द सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, फर्स्टली वी विल फोकस ऑन द बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स. ओके सो बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स. ओके सो इन बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन. फर्स्टली ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन, दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है. अब ये दो टाइप की होती हैं बेसिकली, एक तो सिलेक्टिव होती हैं और एक क्या होती है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स होते हैं हमारे पास. सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स एंड नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैविंग एक्टिविटी ऑन सिलेक्टिव बीटा वन ओनली एंड नॉन सिलेक्टिव हैविंग एक्टिविटी ऑन बीटा वन एंड बीटा टू ब्लॉकेड एक्टिविटी. ओके सो इन सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकेड वी हैव, इन सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकेड वी हैव मेटोप्रोलॉल. मेटोप्रोलॉल वी हैव टेनोलॉल एंड वी हैव एस्मोलॉल. एस्मोलॉल इन बीटा वन एंड बीटा टू ब्लॉकेड बोथ वी हैव प्रोप्रेनोलॉल एंड द अनदर क्लास ऑफ ड्रग दैट वी हैव इज टीमोलॉल. ओके सो दीज आर द टू ड्रग्स दैट कम्स अंडर द नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकेड एक्टिविटी. नाउ टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, now talking about the mechanism of action. So initially there will be decreased in peripheral vascular resistance. Initially there is decrease in peripheral vascular resistance initially. Then after chronic use there will be increased peripheral vascular resistance which will further contribute to the increased cardiac output and will leads to increased peripheral vascular resistance which will further leads to, initially क्या होगा increase होगा, ठीक है. initially mechanism में क्या होगा, increased peripheral vascular resistance. after chronic use there will be decreased peripheral vascular resistance which will contribute to increased cardiac output and it will also leads to ओके सो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है. सो दिस इज आवर मेन फंक्शन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर. सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इनिशियली दे इंक्रीजेस द पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस. ओके सो After chronic use, it will decreases the peripheral vascular resistance. अब peripheral vessels में जब resistance कम होगा तो क्या होगा, cardiac output कम होगा और systolic और diastolic blood pressure में दोनों के अंदर क्या होगा, we can see decrease in systolic and diastolic blood pressure. Okay, so this is our beta blockade activity. Firstly, we will look in towards the brain. Okay, so CNS पे अगर देखा जाए
तो सीएनएस में जो बीटा रिसेप्टर रहते हैं सीएनएस में, सो इसमें क्या होता है, सीएनएस डिप्रेसिंग इफेक्ट है इसमें, क्या है सीएनएस डिप्रेशन, तो डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, देयर विल बी डिक्रीज्ड सिंपैथेटिक आउटफ्लो, ठीक है, डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो, इट विल ऑल्सो फंक्शन ऑन द किडनी, इट विल फंक्शन ऑन द किडनी, बीटा वन डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ रेनिन, एंड व्हेन रेनिन सिक्रीशन इज डिक्रीज्ड सो देयर विल बी नो कन्वर्जन और लेस कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन इनटू एंजियोटेंसिन वन एंड एंजियोटेंसिन टू एंड द होल क्लास ऑफ, मतलब होल इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन टू, जो कि कहाँ कहाँ पे हो रहा था, ब्लड वेसल पे हो रहा था, एल्डोस्टेरॉन के प्रोडक्शन पे हो रहा था, और वो जो सिंपथेटिक इफेक्ट था उसको भी ये क्या कर रहा है, सिंपथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज करा ही रही है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द बीटा वन रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट, ठीक है, सो इट विल डिक्रीज द पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस, ठीक है। बीटा वन इफेक्ट पे क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को, पेरिफेरल वेसल्स का जो रेजिस्टेंस है वो तो कम हो ही रहा है, लेकिन जो मेन फंक्शन है हार्ट पे वो हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है एंड ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ठीक है, इन सब की वजह से फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये तीन चीज़ों में डिक्रीज हमको मिलेगा, सो इट विल फाइनली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। सो CNS में क्या है, डिप्रेशन कॉज कर रहा है, सो देयर विल बी डिक्रीज सिंपथेटिक आउटफ्लो, डिक्रीज्ड रेनिन सिक्रीशन इन किडनी, ठीक है, डिक्रीज रेनिन सिक्रीशन इन किडनी एंड इट विल ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज्ड इफेक्ट्स ऑन द हार्ट, दैट इज हार्ट रेट इज डिक्रीज्ड, कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज नेगेटिव कोनोट्रॉपिक ड्रोमोट्रॉपिक आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, ओके, एंड विच इज लीडिंग टू द कंडक्शन, तो नहीं हो रहा है कम, लेकिन क्या हो रहा है, फाइनली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर द सेंट्रल एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, हमने जब स्टार्टिंग में हमारा साइट ऑफ एक्शन हमने जब मेंशन किया था, तो जब हमने वेजो मोटर सेंटर की बात करी थी, अगर आपको डायग्राम रिमेंबर होगा, जब वेजो मोटर सेंटर की बात करी थी तो वहां पे सेंट्रल एक्टिंग सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स फंक्शन कर रही थी, सो अनदर क्लास ऑफ ड्रग अंडर द सिंपैथोलाइटिक वी हैव सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। In this, we firstly have clonidine. We have clonidine. Okay, we have clonidine, and next we have methyl dopa, alpha methyl dopa. तो पहले हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, क्लोनिडिन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्लोनिडिन क्या करता है कि जो हमारा वेजो मोटर सेंटर होता है, या कहा जाए जो हमारा ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है, ब्रेन स्टेम, ये क्या हो गया, ब्रेन स्टेम वाला पार्ट हो गया। अब यहां पे क्या रहता है, रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है अल्फा टू, कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है यहां पे, एक सेकेंड, इस पर्टिकुलर साइट पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, यहां पे अल्फा टू का भी कौन सा सब टाइप ए, ठीक है, सो अल्फा टू ए प्रेजेंट रहता है, क्या प्रेजेंट रहता है, अल्फा टू ए प्रेजेंट रहता है, सो क्लोनिडिन क्या करता है, डिक्रीज करता है इफेक्ट ऑन अल्फा टू ए रिसेप्टर, अल्फा टू ए रिसेप्टर प्रेजेंट इन द वेजो मोटर सेंटर, प्रेजेंट इन वेजो मोटर सेंटर,
एंड क्या होगा इसकी वजह से, सिंपथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड सिंपथेटिक आउटफ्लो। सिंपथेटिक आउटफ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा बेसिकली। एंड सिंपथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होने की वजह से दो जगहों पे इफेक्ट होगा हमारा, जो कि ये करा रहा है बेसिकली। एक तो हो गया हमारा कौन सा, हार्ट, जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, बीटा वन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, या कहा जाए बीटा ही रिसेप्टर, या मतलब सिंपथेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो हार्ट पे एक तो इफेक्ट देखने मिलेगा हमको, ठीक है, हार्ट पे इफेक्ट देखने मिलेगा। एंड दूसरा कहाँ पे इफेक्ट देखने मिलेगा हमको, ब्लड वेसल्स पे। कहाँ कहाँ दिख रहा है, हार्ट और ब्लड वेसल्स पे। सो हार्ट में हमने पहले भी डिस्कस किया, देयर विल बी डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, देयर विल बी डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एंड देयर विल बी डिक्रीज्ड हार्ट रेट, एंड दिस सिचुएशन विल फर्दर कंट्रीब्यूट इन टूवर्ड्स द डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। एंड हेयर इन ब्लड वेसल देयर विल बी डिक्रीज्ड पेरीफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस विच विल फर्दर कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोनिडिन, एंड वी विल डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग द क्लोनिडिन, एंड वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड इट इन आवर रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर टॉपिक, दैट इज क्लोनिडीन विथड्रॉल। ओके, व्हाट, क्लोनिडीन विथड्रॉल टॉपिक। सो व्हेन वी एडमिनिस्टर क्लोनिडिन, ठीक है, सो देयर इज डिक्रीज्ड सिंपथेटिक आउटफ्लो, मतलब कि कैटाकोलामिन का जो सिक्रीशन है वो काफी कम हो रहा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या हो रहा है कि जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, सो क्लोनिडिन विथड्रॉल में जो हमने रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर के जो दो सब टाइप होते हैं, एक तो अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर होता है, एक डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर होता है। सो क्लोनिडिन विथड्रॉल में हमने क्या देखा था, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर। तो क्या होता है जब सडन स्टॉपेज करते हैं क्लोनिडिन का, सो सीवियर सिंपथेटिक फंक्शंस और सीवियर सिंपथेटिक एडवर्स इफेक्ट हमको देखने मिलेंगे। क्यों, बिकॉज ऑफ अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, देयर विल बी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर। फर्स्टली देयर विल बी इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी, एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रिसेप्टर, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। ओके, सो जब क्लोनिडिन का क्या होता है, विथड्रॉल होता है, सो देर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामीन रिलीज्ड, कैटेकोलामीन रिलीज्ड। एंड एडवर्स इफेक्ट जो भी आएंगे वो इसके जो फंक्शंस रहते हैं उसका एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स जो भी रहेगा हमारा, उसकी वजह से क्या होगे, एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। सो एडवर्स इफेक्ट अब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स जो भी आ रहे हैं बेसिकली, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आ रहे हैं इसकी वजह से, एक तो सीवियर हाइपरटेंशन, ठीक है, सीवियर हाइपर टेंशन, देन इट विल कॉज ट्रेमर्स, इट विल कॉज टैकीकार्डिया, इट विल कॉज टैकीकार्डिया, एंड इट विल कॉज नर्वसनेस, नर्वसनेस, इट विल ऑल्सो कॉज स्वेटिंग, इट विल इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज स्वेटिंग बिकॉज ऑफ बीटा रिसेप्टर स्ट्यूमुले, बिकॉज ऑफ अल्फा रिसेप्टर स्ट्यूमुलेशन, ठीक है, स्वेटिंग हो जाएगा, स्वेटिंग इंक्रीज होगी, टैकीकार्डिया होगा, ट्रेमर होगा, नर्वसनेस होगा, सीवियर हाइपरटेंशन होगा, देयर विल बी हेडेक, ओके, हेडेक, पैल्पिटेशंस। सो दीज आर द फ्यू एडवर्स इफेक्ट्स दैट वी हैव एनकाउंटर्ड इन क्लोनिडिन विथड्रॉल। सो क्लोनिडिन शुड नॉट बी विथड्रॉल। Now talking about the uses. So these drugs are used in hypertension, hypertensive states. Clonidine को कहाँ कहाँ use कर रहे हैं? एक तो hypertension में, दूसरा toxicity कह लें या तो addiction कह लें।
सेकेंड क्या, ट्रीटमेंट ऑफ विथड्रॉल सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ विथड्रॉल सिम्टम्स। अब किसके किसके विथड्रॉल को, एक तो फर्स्ट वन इज ओपियोइड्स, नेक्स्टली एल्कोहल विथड्रॉल में हेल्प करेगा, एंड फाइनली सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। ओके सो दीज आर द यूजेस, एंड नेक्स्टली इट इज यूज इन एज एन एंटी डायरियाक एजेंट, एंटी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, एंटी डायरियक एजेंट इन डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी, सॉरी डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी। इट इज यूज इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, इट इज यूज इन एज एन एंटी डायरियक एजेंट इन डायबिटिक न्यूरोपैथी, एंड इट इज यूज इन सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, एल्कोहल, ओपियोइड। सो ऑल ओवर इन ट्रीटमेंट ऑफ विथड्रॉल सिम्टम्स। इट इज ऑल्सो यूज टू डिक्रीज पोस्ट मीनो पॉजल हॉट फ्लशेस, पोस्ट मीनोपॉजल हॉट फ्लशेस को भी क्या करता है, बेसिकली डिक्रीज करने में ये हेल्प करता है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर विथ द नेक्स्ट क्लास, अ नेक्स्ट ड्रग इन दिस क्लास ओनली, दैट इज अल्फा मिथाइल डोपा, दैट इज अल्फा मिथाइल डोपा। दिस इज ऑल अबाउट क्लोनिडिन, एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अल्फा मिथाइल। ओके सो नाउ टॉकिंग अबाउट द अल्फा मिथाइल डोपा। सो इट इज अनदर सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग। ओके सो इट इज इन फॉर्म ऑफ प्रो ड्रग, फर्स्टली इट इज इन फॉर्म ऑफ प्रो ड्रग, देन इट एंटर्स द एड्रीनर्जिक न्यूरॉन, इट एंटर्स द इट एंटर्स द एड्रीनर्जिक न्यूरोन एंड गॉट कन्वर्टेड इन टू अल्फा मिथाइल डोपामिन, अल्फा मिथाइल डोपामिन विच इज अ फॉल्स रिसेप्टर, फॉल्स रिसेप्टर, एंड इट गॉट स्टोर्ड इन इट, स्टोर्ड इन द वेसाइकल, स्टोर्ड इन द वेसाइकल, देन इट इज कन्वर्टेड इन टू अल्फा मिथाइल नॉर एड्रीनैलिन, अल्फा मिथाइल नॉर एड्रीनैलिन, एंड ऑन स्ट्यूमुलेशन ऑफ वेजो मोटर सेंटर, ऑन स्ट्यूमुलेशन ऑफ वेजो मोटर सेंटर इट इज रिलीज्ड लीडिंग टू डिक्रीज सिंपथेटिक एक्टिविटी, या तो कहा जाए डिक्रीज सेंट्रल सिंपथेटिक एक्टिविटी, डिक्रीज सेंट्रल सिंपथेटिक एक्टिविटी, एंड व्हेन द सेंट्रल एक्टिविटी इज डिक्रीज सो इट विल लीड टू फॉल इन ब्लड प्रेशर। वाई? बिकॉज ऑफ इट विल लीड्स टू फॉल इन ब्लड प्रेशर, बिकॉज वाई?
टू प्रोसेसेस बाय डिक्रीज्ड इन डिक्रीज्ड हार्ट रेट लीडिंग टू डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर एंड नेक्स्टली देयर विल बी डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट या तो सॉरी डिक्रीज्ड पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस लीडिंग टू डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. सो वॉट इज बेसिकली गोइंग ऑन हेयर दैट जैसे कि हमारा एड्रिनर्जिक न्यूरॉन है ठीक है, वैसे ही वेजो मोटर सेंटर में भी ये सेम सिचुएशन रहती है. लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ अल्फा मिथाइल डोपा एंटर कर रहा है. अल्फा मिथाइल डोपा मिन में कन्वर्ट हो रहा है और ये क्या है, फॉल्स रिसेप्टर है और ये क्या है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग है. सो ये क्या करेगी, जब ये रिलीज होती है नॉर एड्रीनलिन के फॉर्म में, अल्फा मिथाइल नॉर एड्रीनलिन के फॉर्म में जब ये रिलीज हो रही है, सो इट विल कॉजिंग द डिक्रीज्ड और डिक्रीज्ड सेंट्रल सिंपैथेटिक इफेक्ट, सॉरी डिक्रीज्ड सेंट्रल सिंपैथेटिक एक्टिविटी विच विल लीडिंग टू डिक्रीज्ड हार्ट रेट, डिक्रीज पेरिफेरल वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस एंड इट विल डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड फाइनली इट विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. नाउ डिस्कसिंग द एडवर्स इफेक्ट. So in adverse effects of methyl dopa, we have bradycardia, we have headache. Okay, so bradycardia, we have headache, mental confusion, we have mental डिप्रेशन कहा जाए, कंफ्यूजन नहीं, मेंटल डिप्रेशन ठीक है, मेंटल डिप्रेशन मतलब सीएनएस पे डिप्रेसिंग इफेक्ट सीएनएस पे ठीक है, सीएनएस पे. सो मेंटल डिप्रेशन एंड इट विल लीड्स टू सीडेशन एंड हेडेक हो ही रहा है हमारा, ब्रेडिकार्डिया, इट विल कॉज समटाइम्स और रेयरली इट विल कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया, रेयरली इट विल कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक anemia and it will cause loss of libido या impotency कहा जाए, sorry impotency, it will cause impotency, three star point है ये सब impotency वाला ठीक है, hemolytic anemia rarely होता है इसके साथ and the last 3.3 star point is it will leading to gynecomastia. It will one of the drugs that will cause gynecomastia, development of breast in males ठीक है, development of mammary gland in males कहा जाए तो ठीक है. अब क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा जो भी हमने डिस्कस किए दोनों, क्लोनिडिन एंड मिथाइल डोपा लाइक ड्रग्स जो भी हैं हमारी, ये क्या होती हैं, ये सेकंड और थर्ड लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं हमारी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, दीज आर द सेकंड एंड थर्ड लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. फर्स्ट लाइन कौन सी थी हमारी, एस इनहिबिटर्स ओके, एंड दीज आर द सेकंड एंड थर्ड लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स. एंड वन मोर थिंग इज दैट अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा इज प्रिफर्ड इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज नॉट हैविंग टेराइटोजेनिक इफेक्ट एंड क्लोनिडिन हैविंग सम टेराइटोजेनिक इफेक्ट और इट इज नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी. सो अल्फा मिथाइल डोपा इज प्रिफर्ड ड्रग इन प्रेगनेंसी.